जायके की तलाश में हम लोग आ चुके हैं दिल्ली के लाजपत नगर। इस वक्त हम लोग लाजपत नगर 2 में हैं और इस इलाके को लिटिल काबुल, मिनी काबुल भी कहा जाता है। और यहाँ पे हम जायका लेने वाले हैं अफगानी खाने का। आइए हमारे साथ। सही है, आप खुश हैं? हाँ खुश है। इंडियन बात ज़्यादा चाहिए, आदमी बात ज़्यादा चाहिए। हम लोग लिटिल काबुल में अपने फूड वॉक की शुरुआत कर रहे हैं अफगान बोलानी से। और ये एक फ्राइड ब्रेड है, इसके कई शेप होते हैं। एक तो आपका ये हाफ मून शेप्ड है, एक ट्रायंगल शेप भी होता है और एक राउंड शेप भी होता है। हम लोग जो घरों पर पराठा बनाते हैं उससे पहले आटे को बेलते हैं, उसके बीच में चाहे आलू का मसाला हो या गोभी हो, कुछ भी हो वो डाला, उसके बाद उस पोटली को बंद किया, फिर बेला और तवे पे हल्का घी या रिफाइंड ऑयल या फिर मक्खन लगा के इसको पैन फ्राई कर लिया, शैलो फ्राई कर लिया। बट ये जो बोलानी है ये डीप फ्राइड ब्रेड है। इसके अंदर में आप मटन भी स्टफ़ कर सकते हैं, चिकन भी स्टफ़ कर सकते हैं, कई सब्ज़ियाँ स्टफ़ करके इसको बना सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक डो बनाया मैदा और गेहूँ के आटे से, उसके बाद उसको बेला, फिर इसमें थोड़ा सा आलू, बिल्कुल उबला हुआ आलू जिसमें मसाले हैं, नमक, लाल मिर्च है, उसको पूरा स्प्रेड किया। फिर उसके बाद इसको एक तरफ से पलट कर फोल्ड कर दिया गया और फिर डीप फ्राई कर दिया गया तेल में, रिफाइंड ऑयल में। यहाँ पे जो आपको बुलानी मिलता है वो आपका आलू भी है और हरा प्याज भी है। जो हम लोग खा रहे हैं इसके अंदर में आलू हरा प्याज दोनों मिक्स है, साथ में टमाटर की चटनी है जो कि रनी है, पतली सी। आइए अब इसका जायका लेते हैं। बिल्कुल ये पतली सी लेयर है, अंदर में आलू और हरे प्याज है, ये साथ में टमाटर की चटनी। रमज़ान का महीना है और सर बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में 90% लोग जो रोज़ा खोलते हैं तो उसमें बुलानी खाते हैं, है ना। और जो चटनी है साथ में इसके वो खट्टी है और चटनी में गार्लिक का बहुत शार्प फ्लेवर है। इस शॉप के जो ओनर हैं उनका नाम नजीब जी है और ये शॉप सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुली रहती है। आप किसी भी वक्त आकर यहाँ पे अफगान बुलानी का जायका ले सकते हैं। जिस बर्गर से हम लोग वाकिफ़ हैं ये वो बर्गर नहीं है, इसको बोलते हैं अफगानी बर्गर है पर एक तरह का रैप है ये, मतलब शोरमा से मिलता जुलता आप इसे कह सकते हैं। पराकी ब्रेड या लवासा ब्रेड वो है, उसके ऊपर में पत्ता गोभी, धनिया पत्ती डाला गया, खीरे के स्लाइसेस डाले गए, उसके बाद श्रेडेड चिकन डाला गया, फ्रेंच फ्राइज डाला गया, टोमेटो केचप सॉस डाला गया, टोमेटो सॉस विथ रेड चिलीज वो डाला गया, मेयोनीज डाला गया, एक मसाला इन्होंने डाला है, फिर नमक डाला है, फिर इसको रैप करने के बाद ऊपर में फिर से वो तीन जो चटनियाँ हैं मेयोनीज, टोमेटो केचप और टोमेटो रेड चिली सॉस वो डाल दिया गया है। चटनी टमाटर वाली अच्छी खासी तीखी है और गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर है इसमें, है बहुत ही जूसी। और यहाँ पे जो बर्गर मिलते हैं उसके अलग अलग वैरायटीज़ हैं, जैसे आप चिकन जो है ब्रेस्ट पीस डलवा सकते हैं, लेग पीस डलवा सकते हैं, वेजिटेरियन वर्जन भी इनके पास है, अंडे के साथ ले सकते हैं, बिना अंडे के भी ले सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन है ये बहुत ही हैवी, आपने एक बर्गर खा लिया तो आपका पूरा एक कम्प्लीट मील हो जाएगा और उसके बाद कुछ खाने की ज़रूरत है नहीं आपको। जो इस शॉप के ओनर हैं उनका नाम अहमद भाई है और ये शॉप भी सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुली रहती है। लाजपत नगर में आपको कई सारी तंदूर की दुकानें मिलेंगी जहाँ पे फ्रेश अफगानी रोटी बनाई जाती है और जो ये दुकान चलाते हैं उनको नान भाई बोला जाता है। और इस वक्त हम लोग जिस शॉप पे हैं उसका नाम लाल मोहम्मद तंदूर शॉप है जहाँ पे फ्रेश रोटियाँ मिलती हैं। ये जो रोटी है इसे पराकी बोलते हैं, लवासा ही बोला जाता है। जो हमने अभी अफगानी बर्गर खाया वो इसी में बनाया गया था, इसी के अंदर रैप करके बनाया गया था। फिर आपका ये अफगानी रोटी है, इसमें गेहूं का आटा भी होता है, मैदा भी होता है, खमीर भी होता है, नमक भी होता है, चीनी भी होता है और पानी के साथ इसको गूंथते हैं और इसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा खमीर उठ जाता है, उसके बाद हाथ से ही इसको फ्लैट कर लेते हैं और फिर इसमें एक ये पैटर्न बना लेते हैं कंघे से, कोम से, और फिर इसको तंदूर में पकाते हैं। यहाँ पर जो तंदूर पर रोटी बनाई जा रही है वो मिट्टी का तंदूर है। अमूमन हमने जो तंदूर देखा है वो वर्टिकल होता है, मतलब या तो जो तंदूर पे रोटी लगा रहा होता है वो बैठ के उसके दीवार पे रोटियां चिपका रहा होता है, पका रहा होता है,
या फिर खड़े होके भी वो अपना रोटियाँ लगा रहे होते हैं। ये जो तंदूर है ये आपका हॉरिजॉन्टल आप कह लें, मतलब जैसे गुफा होता है ना, गुफा नुमा ये तंदूर है, और इसके दीवार पे रोटी लगाते हैं और नॉन स्टॉप रोटियाँ बनती रहती है। आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद गुलशाद। आप तो अफगानी नहीं है? नहीं, मैं इंडियन हूं। तो लेकिन वो सबके बारे में पता है जी, जो भी बेकरी आइटम्स हैं यहाँ पे जी, सब कहाँ बनता है? ये सब अफगानी घर में बनाता है, अफगानी बना के देता हूँ लोगों को बेचने के लिए। अच्छा, हमें बताइए कौन सा यहाँ पे क्या क्या है? ये रोड है। रोड? हाँ, जो इंडियन सिरमाल होता है ये अफगानी हुआ। ये खजूर है, इसका नाम नाश्ता है, इसका नाम के रोल है, इसका नाम किस्ती है, इसका नाम दोराई केक है, ये खुरमाई है, ये ड्राई फ्रूट केक है, ये अफगानी कुलचा है, बिस्किट जिसे कहते हैं, और ये अफगानी केक है, और ये बगलावा है। ये जो खजूरी है तो वो ठेकुआ कितना लग रहा है? वो जो है जैसे इंडियन गुलगुला बनाता है ना, हाँ, तो ये अफगानी लोग खजूर इसे बोलते हैं। अच्छा, ये खजूर बना हुआ। कितने का पैकेट है ये? 100 रुपये का। चलिए एक पैकेट ये ले लेते हैं। और कुछ बताइए, ये कैसा होता है? ये दोराई केक हुआ, ये मीठा जो वनीला केक होता है उस टाइप का। वनीला केक है, फ्रेश है? हाँ फ्रेश है, अभी ताज़ा है। मीठा कम है? हाँ मीठा ये कम होता है। उसके साथ तो चाय चाहिए? हाँ, इसके साथ चाय दूध। हाँ, इसके साथ चलेगा। ये सॉफ्ट है, मेरे को लगा था कि थोड़ा हार्ड होगा। नहीं, बहुत मुलायम है, केक की तरह है। ये टेस्ट करते हैं। ये बनता मैदे से? हाँ, मैदा तो आटा दूध बहुत कुछ इसमें डलता है। डोनट शेप दोराई केक है, इसमें वनीला की खुशबू भी है, स्टिकी है। इसके साथ भी चाय वाय चाहिए होगा? सॉफ्ट है, मॉइस्ट है, मीठा भी है, और इसमें अच्छा वनीला का फ्लेवर भी है और खुशबू भी है। अच्छा गुलशाद जी, शुक्रिया। इतना सारा आइटम्स है, मतलब बार बार आना पड़ेगा मुझे तो, एक बार में नहीं हो पाएगा। एक बार में नहीं होता। हम लोग कितने कितने दिनों के बीच में यहाँ पे आते रहते हैं? हम तो हफ्ता पहले फिर आए, हफ्ते बाद था वाला है। वीकली आते हैं? वीकली के अंदर हम आ जाते हैं। आते रहते हैं। आप लोग रहते हैं कहाँ पे? दिल्ली में? तिलक नगर से? तिलक नगर। अफगानी दिल्ली में आपका एक लाजपत नगर में, एक भोगल जंगपुरा है, एक तिलक नगर है, एक जो आपका साकेत में मैक्स के सामने है, वहाँ भी बहुत अफगानी है। तो वहाँ पे वो लोग आते हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, जी जी जी। वो लोग वहाँ रहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे। यहाँ पे है तो कई सारे अफगानी रेस्टोरेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ इसी में रहती है। मतलब जितना अफगानी लोग अपना खाना पसंद करते हैं उतना लोकल्स भी पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार बता देते हैं कि हमारे जो दस्तरखान में क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो प्लेन स्टीम राइस है, ये राजमा है, ये चिकन शॉर्मा, ये बंजन पुरानी बंजन, ये भिंडी है, भिंडी है, और वो ये चिकन कढ़ाई, कढ़ाई चिकन, कढ़ाई चिकन, और ये आपका अफगानी रोटी होगी, अफगानी रोटी होगी, ये पुलाव, उज़्बेकी पुलाव, मटन चौपन, चिकन कबाब, चिकन सीख कबाब, पहले चौपन से, चौपन से। चटनी है इसके साथ, काफ़ी सॉफ्ट और जूसी है। जी सर, मेन फ्लेवर है वो आपको मीट का ही है। जी जी, उसमें कोई मसालों से इसको ओवर स्पाइस नहीं किया गया। ये जो चौपन कबाब है इसको मैरिनेट किया जाता है प्याज के रस में, लहसुन में, नमक में, और उसके बाद फिर इसको ग्रिल कर लेते हैं। चिकन सीख कबाब? यस सर। देखिए ये बना के इसको हाथ से ही शेप, मतलब उंगलियों के निशान है इसमें। टमाटर की चटनी जी, थोड़ा ड्राई है। जी जी, जो अफगानी खाना है उसमें इंडियन खाने का भी काफ़ी योगदान रहा है। जी जी, जैसे कहते हैं कि काली मिर्च जो हम लोग के यहाँ इंडिया से ही अफगानिस्तान भी। जी जी, उनकी स्पाइसनेस कम होती है। हाँ, ये रेड को ज़्यादा कम यूज़ हो सकते हैं,
काली मिर्च ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो हिंदुस्तानियों की देन है जी। अब नेक्स्ट खाया जाए बंजन बुरानी। बंजन बुरानी ये वेज वालों के लिए स्पेशल है, फिर टमाटर बैगन और दही दही। तो ये अच्छा है कि जो ब्रेड इतना फ्लफी बना हुआ है जी, स्पॉन्जी है कि पूरा जो ग्रेवी है वो सोक कर सोक लेता है। ये है अपना बैंगन का भरता जी जी, बिल्कुल वही है। हाँ, बस इसमें जो एक एडिशन है वो दही है, खट्टी दही दही है। हाँ। और जो टमाटर की प्योरी जो टमाटर डाले हैं इन्होंने उसका, ये आपका भिंडी है और इसमें टमाटर है और प्याज है। भिंडी भी अच्छी खासी खट्टी बनी हुई है, जो मेन फ्लेवर है वो टमाटर का ही है और थोड़ा लहसुन का। अब थोड़ा कढ़ाई चिकन खाते हैं, ये तंदूरी चिकन। मतलब जो खाना है वो थोड़ा खट्टा है, टैंगी है। हाँ, टैंगी है और लाइट मसाले, लाइट मसाले, लाइट मसाले कोई भी खा सकता, कोई ऐसे नहीं है। ये आपका उज़्बेकी पुलाव, उज़्बेकी पुलाव। ये जो काबली पुलाव ये अफगानिस्तान का नेशनल डिश है और है बासमती चावल, इसमें किशमिश भी है और गाजर भी है। जी जी, गाजर थोड़ा हल्का लाइट ब्राउन कलर का है। थोड़ा ग्रीजी भी है जी। आप लोगों का साथ मिला, सभी इतनी सारी चीज़ें मैं खा सका जी। अगर मैं अकेले आता तो मैक्सिमम दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें थी, चौकन कबाब जी, जी और उज़्बेकी पुलाव, बस ये खा के चला जाता जी जी। हम भी चौकन कबाब कबाब हमारा हर बार में यही रिपीट, यही रिपीट होता है। मेन्यू फिक्स है जी जी, मेन्यू फिक्स है हमारा। राजमा और मलाई रोटी, राजमा बहुत ही उम्दा है, काफ़ी क्रीमी बना हुआ है। तो ये राजमा और बैगन कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं जी सर। हाँ, वैसे आप मंगा सकते हैं, हम प्लेट के हिसाब से मंगाते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री भी अपनी तरफ से देते हैं। चीयर्स। तो काफ़ी रिफ्रेशिंग है। हाँ, पुदीना, पुदीना का ज़्यादा फ्लेवर है। पुदीना, पुदीना पूरा क्रश करके डाला हुआ है। हाँ, ये बटर मिल्क की तरह ही है, इसको दुख बोलते हैं, दुख दुख। बहुत बढ़िया, बिल्कुल एक डाइजेस्टिव ड्रिंक है। हम लोग लाजपत नगर के एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट अफगान दरबार में है, जहाँ पे ऑथेंटिक अफ़गानी डिशेस मिलती हैं, और हमने मंगवाया है अशक। अशक एक तरह का स्टीम डम्पलिंग्स है, जिसके अंदर में स्टफिंग की गई है लीक और स्प्रिंग अनियन की, हरे प्याज की, और साथ में ऊपर में टॉपिंग जो है वो है चने की दाल और दही, साथ में धनिया पत्ती है, कई जगहों पे पुदीना भी डालते हैं। ऐसे ही एक और डिश आती है, इसका नाम होता है अफ़गानी मंतू, और मंतू के अंदर में मटन स्टफ होता है, चिकन भी स्टफ करते हैं, और उसके ऊपर भी ऐसे ही चने की दाल और दही डाल के सर्व करते हैं। डम्पलिंग्स खुद में काफ़ी सॉफ्ट है, प्रॉपरली स्टीम्ड है, और हरे प्याज का एक स्लाइट फ्लेवर आता है। इनफैक्ट लगता है मुझे जो खट्टी दाल है और दही है वो ओवरपावर कर देता है कहीं ना कहीं जो हरे प्याज के फ्लेवर को। यहाँ पे जितने भी अफगानी रेस्टोरेंट्स हैं लाजपत नगर में, वहाँ पे एक तो आपका सिटिंग अरेंजमेंट मेज़ पे होता है, मतलब टेबल पे चेयर पे आप बैठ के खाना खा सकते हैं, इसको तख्त बोला जाता है, मतलब लोअर सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे दस्तरखान होता है उसको आपने स्प्रेड किया और फिर साथ में बैठ के खाना खाया। इनफैक्ट इंडिविजुअल प्लेट्स का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, एक थाली में लोग साथ बैठ के खाना खाना पसंद करते हैं, ये इनके फूड कल्चर का हिस्सा है। आपको अफगानी खाने में दही का अच्छा खासा प्रयोग देखने को मिलेगा, दही को टॉपिंग के तरह इस्तेमाल करते हैं, अलग से भी नमकीन लस्सी पीते हैं, और साथ में मैरिनेशन में भी उसका इस्तेमाल करते हैं, तो
तो कई फॉर्म्स में दही का इस्तेमाल किया जाता है खाने में, और जो अफ़गानी खाना है उसका जो मेन इन्फ्लुएंस है वो तीन रीजन से है। एक तो आपका पर्शिया हो गया मतलब ईरान, उसके बाद इंडिया हो गया और मंगोलिया हो गया। जो डम्पलिंग्स हैं वो मंगोलिया से आया, और इसमें जो अफ़गानी टच है वो आपका चने की दाल और खट्टी दही है। जो अफ़गानी रेफ्यूजीज़ हैं उनका माइग्रेशन कई वेव्स में हुआ है। पहला तो 79 to 89 जो सोवियत अफ़गान वार हुआ उसमें काफ़ी लोग इंडिया आए। सेकेंडली जो सिविल अनरेस्ट था उनका 1990s में, उसमें भी काफ़ी लोग इंडिया माइग्रेट करके आए। और अभी रिसेंटली जो 2021 में तालिबान का जो पूरा किस्सा हुआ उसमें भी काफ़ी लोग इंडिया आए हैं। और UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ के हिसाब से 15,000 अफ़गानी रेफ्यूजीज़ इंडिया में रहते हैं। और इस जगह पे आप आएंगे लाजपत नगर में, तो मतलब आप जो शुरुआत में हम लोग बातचीत कर रहे थे कि लिटिल काबुल इस जगह को बोला जाता है, यहाँ पे आपको दवाइयों की दुकान देखने को मिलेंगी, इसके ऊपर में दरी भाषा में लिखा हुआ होगा, मनी चेंजर्स देखने को मिलेंगे। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे अफ़गानी है वहाँ पे उनका खाना तो होगा ही। तो लाजपत नगर में आपके पास कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, स्ट्रीट फूड जॉइंट्स हैं, जहाँ पे आप अफ़गानी खाना खा सकते हैं। हमारे नाम अमानुल्लाह कादरी है। तो आप कादरी साहब को कितना समय हो गया दिल्ली में? 7 साल दिल्ली आए हुए। 7 साल हो गया। और दुकान लगाए हुए कितना साल हो गया? 7 साल हो गया। जब से आए तब से दुकान शुरू कर दिया? वो एक रेस्टोरेंट बल्क रेस्टोरेंट है, उसके बाद बंद होगा, उसके काम किया 2 साल, उसके काम किया 1 साल काबुल दिल्ली नया काम किया 1 साल, ये काबुल दिल्ली नया है, ये 1 साल पुराना है। और तीन मैंने गुजरात से काम किया, 1 महीने पंजाब से काम किया, 1 साल अमर कॉलोनी से काम किया, वो सब के वाला काम किया 7 साल हो गए। तो अफगानिस्तान में क्या करते थे आप? ये वाला वहाँ भी शीरा था, आइसक्रीम से ये वाला। यहाँ सही है, आप खुश है? हाँ खुश है, हाँ खुश हूँ। इंडियन बहुत ज़्यादा अच्छा है, आदमी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये आइसक्रीम से खरबूजे से बनाते हैं, ऑरेंज तरबूज छागले से, गजूरे केसरे और लाइची है, ड्राई फ्रूट है, सब कम बनाते हैं। आज कौन सा बनाया हुआ है? आज की लाइची है, लाइची वाला फ्लेवर है। अगर हवा कम वाली, मौसम ठंडा है, ज़्यादा गर्म नहीं, ज़्यादा गर्म होगा बस इसके दोस्ती हम बनाते हैं। इसमें क्या क्या डालते हैं, इस आइसक्रीम में क्या क्या जाता है इसके? दूध, लाइची, चीनी ये वाला, ऊपर से लबरी, काजू, बादाम। तो जो आपका अफगानिस्तान में ये काम था वहाँ भी ऐसे ही बनाते थे, सेम यही तरीका था? अफगानिस्तान में कहाँ रहते थे आप? अफगानिस्तान मज़ार शरीफ से। और यहाँ क्यों आना हुआ दिल्ली? उसकी काम नहीं, उसी तालिबान आएगा, तालिबान से पेश हम आएगा। अब लगता है कभी वापस जाएंगे आप? वापस नहीं जाएगा, काम वापस जा रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके काम नहीं, ऐसे काम नहीं है। अगर काम होगा हम जा रहे हैं। आज के यहाँ कनाडा जा रहे हैं, यहाँ सरलिया से यूनिसियर से हम सब थे, वो रिफ्यूजी कार्ड हमारी प्रॉब्लम नहीं है, कि इंडियन बाद अच्छा है। शीर का मतलब दूध, और याक का मतलब? याक का शीर, याक का मतलब यानी ठंडे वाला, तो मतलब एक तरह से ये फ्रोजन मिल्क है, है ना? हाँ मिल्क है। चलिए, दूध, इलायची, शीरियाक है, अफगानी शीरियाक, दूध, इलायची, चीनी और चीनी, बस तीन चीज़ें। क्यों अच्छा है? बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं है, बहुत ही उम्दा है। आप भी खाइए हमारे साथ। नहीं नहीं, हम नहीं कहा है? नहीं। आप नहीं खाई ना? नहीं। क्यों? क्योंकि हम हमारे ज़्यादा है, हर चीज़ की ज़्यादा है, दिल नहीं होगा काम, एक एक बार चमक खाना है बस। ना तो ये कुल्फी है ना ये आइसक्रीम है, शीरियाक शीरियाक है, शीरियाक शीरियाक है। जब हम लोग कुल्फी खाते हैं तो जीभ पे एक परत जम जाती है, जो दूध का परत होता है वो आ जाता है, और आइसक्रीम खाते हैं उसमें एक्स्ट्रा फैट और एमल्सीफायर्स उसमें होता है, इसमें बिल्कुल नहीं है। वो जीभ पे जाएगा और गायब। और जो फ्लेवर है वो आपका सिर्फ इलायची का है, चीनी बिल्कुल बराबर है, साथ में थोड़ा सा गाढ़ापन रबड़ी का, और लास्ट में जो ड्राई फ्रूट्स है उसका अच्छा एक नटी टेक्सचर आपको मिल जाता है। अब
यहाँ पे कितने में से कितने में तक रहते हैं, कितने बजे आते हैं सुबह? सुबह 11 बजे हम खुलाए, शाम से 9:30 बजे का। सुबह दिन में 11 से रात के 9:30 तक? हाँ, क्योंकि हमारे राह ज़्यादा दूर है, उस खातिर 9:30 बजे के हम बंद किए। कादरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू, बहुत बढ़िया आपने शीरजा खिलाया। और इस उम्दा शीरजा के साथ हम अपना आज का लिटिल काबुल का फूड टूर एंड करते हैं। हम फिर मिलेंगे दिल्ली के किसी नए इलाके में नए जायकों के साथ। तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप ईटिंग।